हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी शेयर के बारे में। टाटा ग्रुप के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है, ये उसी से जुड़ी है एक कंपनी है। स्टॉक के फंडामेंटल डिटेल्स की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हो सके उतना वीडियो छोटा रखेंगे। ठीक है, छोटी सी फंडामेंटल डिटेल चेक कर लेते हैं। कंपनी मेनली करती क्या है, AI टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ने वाली ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। कंपनी डिजाइनिंग या टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है, ऑटोमोटिव में, मीडिया में, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी की इंटरेस्टिंग वैल्यू 2300 के आसपास है, अच्छी मानी जाएंगी। उसके साथ साथ स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 7600 के आसपास। स्टॉक ने ऑल टाइम हाई 10,700 के आसपास का बनाया था, वहां से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी और स्टॉक करीब 5,500 या 6,000 के आसपास नीचे आया था। कंपनी के पास बड़ा रिजर्व फंड है, उसके सामने डेप्थ बहुत ही छोटी, मतलब कि कंपनी कभी भी चाहे अपनी डेप्थ क्लियर कर सकती है। स्टॉक के लिए अच्छी बात यह है कि उसके ROC और ROE काफ़ी बढ़िया है। वैसे हम 20% होती है उसे एवरेज मानते हैं, ये उससे भी ऊपर है, 40% के ऊपर। ठीक है, क्वार्टर नतीजे कंपनी डे बाय डे अच्छे देती जा रही है। इन्वेस्टर की बात करें, प्रमोटर 43% के आसपास होल्डिंग करते हैं। FNI का अभी भी इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, जो करीब 11 से 12% के आसपास का FNI का इंटरेस्ट था, अभी 14% के आसपास है। DA का भी इन्वेस्टमेंट 4% के आसपास यहाँ पर आपको दिख सकता है, साथ में पब्लिक होल्डर में 37% के आसपास है। चार्ट स्टडी पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 डे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रखा है। आज के दिन स्टॉक में अच्छी खासी रन हुई है और इसने एक चैनल के ऊपर ब्रेकआउट दे लिया है। ठीक है, तो स्टॉक यहाँ से अपसाइड देगा ऐसा मैं लग रहा है। ज़्यादा इंडिकेटर में ऐड नहीं करूँगा वरना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्टॉक अपकमिंग डे में कौन से टारगेट के लिए जा सकता है, मैंने टाइम बचे इस कारण से पहले ही ये लाइन ड्रॉ करके रखी थी। ये ऊपर की जो लाइन है वो सारे रेजिस्टेंस की है, और नीचे के साइड आपको जो दिख रहा है ये सारे सपोर्टिव है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, जिससे इन केस इन फ्यूचर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो इस लेवल के हिसाब से आप अपनी बाइंग या सेलिंग की क्वांटिटी और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अपसाइड के लिए सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस बनेगा 8,650 के आसपास। फिलहाल जो ब्रेकआउट दिया है ये सस्टेन करता है तो स्टॉक ये अपने चैनल के हाई के आसपास जा सकता है, मतलब कि 7,880 के आसपास। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो छोटा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस है 8,200 का, वहाँ तक जाएगा और उसके ऊपर जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करके रखी है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। कंपनी कंटिन्यू अच्छा प्रमोट कर रही है, अच्छा खासा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करती जा रही है, जिसका बेनिफिट आने वाले समय में होगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस रखिए 7,800 का, और फ्यूचर में टारगेट रहेंगे कंपनी के जो ऑल टाइम हाई का लेवल है 10,600-7,000 के आसपास का, वहां तक। अगर आप 5 से 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी आपको 2 से 3 गुना बढ़ती हुई नजर आएगी, मतलब ये 10,000 का हाई है उसके भी ऊपर हमें लगता है कि 17,000 के आसपास ये स्टॉक के लेवल दिखा सकते हैं। डाउन साइड के लिए 2 सपोर्टिव रेंज है, एक 6,000 का और 6,800 का। 6,000 का लेवल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है। ठीक है, अगर गलती से यहाँ इन फ्यूचर स्टॉक की प्राइस आती है तो मस्ट भी बाई कर सकते हैं, तुरंत एक बाउंस बैक पॉसिबल है 2 से 3% के आसपास का। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ भी क्वेरी है तो आप जरूर से हमें यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।